डिंडौरी में आदिवासी विकास विभाग में हुए घोटालों को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और इस मामले की जांच के साथ दोषियों को सजा देने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि घोटाले मरम्मत कार्यों, छात्रवृत्ति, स्मार्ट क्लास के नाम पर किए गए हैं। डिंडौरी में आदिवासी विकास विभाग में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते की अगुवाई में धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस सुरक्षा घेरा तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आदिवासी विकास विभाग में हॉस्टलों में मरम्मत कार्यों, छात्रवृत्ति, खेलकूद, गणवेश और स्मार्ट क्लास के नाम गड़बड़ी की गई है। देखिए, आज जो छात्र आंदोलन हम लोगों ने रखा, पूरे डिंडोरी जिले के हर एक ब्लॉक की पूरी जनता है हमारे साथ आए, पूरे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स लोग साथ में आए। आप लोग देख रहे हैं कि विगत 2019 से 21 में जो छात्रवृत्ति घोटाला किया गया करोड़ों रुपए का, आप देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे भारत देश का भविष्य आने वाला नया पीढ़ी है, बच्चे हैं, और आज उनके शिक्षा व्यवस्था के साथ ऐसी अनियमितताएं की गई, उनके साथ घोर अन्याय है ये। हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मांग किया है ज्ञापन के माध्यम से, और जो भी इसी ट्राइबल के द्वारा जितनी भी गड़बड़ियां की गई उसकी भी जांच की मांग की है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है तत्काल इसकी जांच के लिए पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, लेकिन लोग पूरे स्टूडेंट, छात्र छात्राएं और उनके पेरेंट्स सब एकजुट होकर एक बड़ा महा आंदोलन करें। देखिए, स्मार्ट क्लासेस की जो घोटाले की बात में उसकी भी जानकारी मुझे थी और मैंने उस विषय में भी ज्ञापन में लिख के दिया है, और इससे पहले भी मैंने पत्र लिखकर इसी साहब को उसकी जानकारी मंगवाया। देखिए, जो दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, वो सबके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, और जो उनके द्वारा अनियमितताएं की गई हैं उसकी वसूली होना चाहिए, और उनके ऊपर FIR करके सबको जेल भेजने का कार्य किया जाना चाहिए। देखिए, मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। जो 2019 से 21 के बीच में जो करोड़ों रुपए का गबन किया गया है छात्रवृत्ति का, उसकी बात है, और आप लोग देख रहे हैं उस वक्त चाहे जिम्मेदार कोई भी हो, बच्चों का भविष्य का सवाल है, और जो अनियमितताएं हैं उसमें कार्रवाई होना चाहिए, जो भी दोषी उसके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए। कलेक्ट्रेट के घेराव से पहले आदिवासी विकास विभाग में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर मुख्य बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया। वहां से आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गेट तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की। जब SDM रजनी वर्मा ज्ञापन देने पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन देने से मना कर दिया। जब कलेक्टर विकास मिश्रा ज्ञापन देने पहुंचे तब कहीं जाकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। क्या है, अपने डिंडौरी जिले में पदस्थ जनजाति कल्याण विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं संतोष शुक्ला जी, उन्होंने 54 स्कूलों में LCD एवं कंप्यूटर की सप्लाई करी है, जो बिल्कुल नॉन ब्रांडेड है और उसकी कोई कीमत का भी वो नहीं है। मतलब 2 लाख के सामान को 5 लाख ब्रांड में कीमत लगा के वो खरीदे हैं, और उसके बाद करीब 3.5 करोड़ का इसमें गबन किया गया है सरकारी स्कूलों के राशि के साथ। और मैं चाहूँगी कि इसमें जो भी राशि के साथ भ्रष्ट काम हुआ है और निर्माण एवं मरम्मत का SC शुक्ला के द्वारा जो हुआ, तो मैं चाहूँगी कि संतोष शुक्ला के द्वारा किए गए सभी निर्माण एवं मरम्मत का जितने भी स्कूलों में हो रहे उसकी अच्छे से जाँच हो और सभी कार्य सुदृढ़ रूप से हों। पूर्व में हम लोगों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमको जो जानकारी लगी थी कि जो डिंडोरी के जो AC साहब हैं उनके द्वारा 54 स्मार्ट क्लासों के मामले को लेकर जो घोटाला जो उजागर हुआ था उसी के तारतम्य में, और छात्रवृत्ति का जो घोटाला जो डिंडोरी जिले में हुआ है उसी में छात्र आंदोलन का हम लोगों ने समर्थन करते हुए जो दोषी जो व्यक्ति हैं उन दोषी व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और निराकरण की जाँच हो। विश्व की जो एजुकेशन व्यवस्था है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसी तारतम्य डिंडोरी की छात्र छात्राओं को भी हम उपलब्ध कराना चाहते हैं। सरकार की जो राशि जो दी गई है उसका गलत तरीके से उसका आहरण किया गया है। यदि अगर सत्य है तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।